व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था कि ट्रेलर आया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जो फिटनेस की लाइफ है वो यहाँ पे कैसी होती है। और आज ब्रदर मेरे साथ है, तरुण, और इसी के साथ मैं इंटरव्यू करूंगा। इसी की वीडियो डाली थी कटारिया टीवी पे, और ये भाई अपनी जर्नी बताएंगे मुझे कि उन्होंने फिटनेस लाइफ में क्या क्या किया। और कनाडा में अगर आप एज ए फिटनेस अपना करियर शुरू करना चाहते हो, या फिटनेस के लिए यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लो। नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कोई भी फिटनेस के बारे में आपको। भाई की इंस्टाग्राम आईडी जो है वो भी आपके सामने आ रही है, और डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है मैंने, तो भाई से भी आप कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ, वेलकम मिस्टर तरुण मसल मेहरा। और भाई का बहुत बहुत वेलकम है, थैंक यू यार। थैंक यू तो सर, अगर आपको आपका नहीं बहुत पता तो मैं तेरे को ये चुपता देता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी YouTube की, एंट्रेंस के बाद, मतलब जो मैंने इंट्रो दिया था उसके बाद जो मेरी पहली वीडियो थी वो जिम के ऊपर थी। मैंने इकोनो फिटनेस जो यहाँ पे है वो दिखाया था, और मैंने बताया था जी। कि ये कितना सस्ता है। तो मैं हमेशा होता है कि मुझे यार, मैं मतलब ऑलवेज मैं इसमें रहता हूँ जिम वगैरह में या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। अब खैर टाइम कम मिलता है, बट भाई मुझे फिर से मोटिवेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, कब शुरू करी बॉडी बिल्डिंग, एज कितनी है आपकी। हेलो गाइस, हाउ आर यू। मेरा रियल नेम तरुण मेहरा है, लोग मुझे मसल मेहरा के नाम से जानते हैं। एंड मैं न्यू दिल्ली इंडिया से हूँ। एंड राइट नाउ मैं 20 ईयर्स का हूँ। एंड लाइक जब मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम पे मेरी एज 17, अराउंड 16-17 थी। इतनी जल्दी शुरू कर दी थी? अच्छा ये एक बात बताओ, 16-17 में शुरू की, उस टाइम तो थोड़ा सा ऐसा होता है घूमे फिरे, बाइकों पे गेड़िया मारे, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई? मुझे गाड़ियों का और बाइक्स का बहुत ज्यादा शौक था। बट मैं लोगों को देखता था, फिटनेस मॉडल्स एंड लाइक अवर कॉम्पिट जो असली लेवल के कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक रॉनी कॉलमैन एंड काई ग्रीन। सो मुझे उनको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी। तो मैंने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं जिम जाना स्टार्ट हुआ उस टाइम पे। और मैं कोचिंग बताता हूँ भाई, यहाँ पे एज ए स्टूडेंट है इस टाइम, स्टडी वीजा पे है और पढ़ रहा है, और भाई साथ साथ ट्रेनर की जॉब भी कर रहा है। तो मेरे को बहुत सारे यही क्वेश्चन आते थे कि आप अगर यहाँ पे एज ए आ रहे हो, अगर आपका कोई फिटनेस में स्कोप है या जिम का ट्रेनर के लिए आप काम कर सकते हो कि नहीं, जैसे कि आप कर रहे हो, हाँ जी, तो मेरे को उसका बताओ कि यहाँ पे कितना स्कोप है, कैसे कैसे हो सकता सारा कुछ। फिटनेस का स्कोप सिर्फ कनाडा में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। क्योंकि फिटनेस एक हमारे एक लाइफस्टाइल है। ये कोई एक स्पेशल पैशन या फिर कोई एक ऑब्लिगेशन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। एंड सेकंड थिंग, जो स्कोप है फिटनेस का, लाइक उसमें हम ट्रेनिंग जॉब कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। लाइक 20 आवर्स एज अ स्टूडेंट, हम वी आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स। सो मैं ऑनलाइन वर्कआउट प्लान्स भी बनाता हूँ, न्यूट्रिशन प्लान, एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट फिटनेस। अगर आप मुझे सुबह 5 बजे भी फोन करोगे, मैसेज करोगे कि आई नीड हेल्प, सो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। दैट्स नाइस भाई, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ही मोटिवेट कर रहा है बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ यार टाइम निकाल के ना जिम जाऊँ, और भाई ने मेरी डाइट पहले ही बना दी कि ये डाइट है कि मसल कैसे गेन करना है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो फिटनेस है, आप एज ए स्टूडेंट हो, आप काम भी करते हो, जिम भी जाते हो, कॉलेज भी जाते हो, और फिर इसके साथ अपनी फिटनेस लाइफ, और अपनी फिटनेस में तो डाइट तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैं भाई की स्टोरी देखता हूँ सम टाइम, सुबह सुबह उठ के मील्स प्रेपरेशन चल रही है, तो इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो? निकल जाता है यार। मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। मेरा अगर डे सुबह 5 बजे स्टार्ट हो रहा है तो रात के 10 बजे मेरा डे फिनिश हो जाएगा। उसके बीच में मेरी कोई नो फ्रेंड सर्कल, नो क्लब लाइफ, टोटली वर्क, कॉलेज एंड लाइक माय फिटनेस और लाइफ। फिटनेस लाइफ, वाह, इसे कहते हैं मतलब काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो लाइफस्टाइल चलता है। और अभी मैं बता देता हूँ, अभी भाई आया था, मैंने भाई को चॉकलेट ऑफर करी, इसमें तो बहुत शुगर है, भाई ने कहा मैंने मैंने नहीं खानी। सो दैट्स कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइफ, और शायद इसीलिए भाई की इतनी अच्छी बॉडी बनी हुई है। और एक बात बताओ, यहाँ पे आपको किसी कंपनी ने कोई एड डालने के या कोई वीडियो बनाने के कोई पैसे दिए कि मतलब बॉडी बिल्डिंग हमारी ऐड डाल दो, हमारे लोग प्रोडक्ट्स लेंगे? या मेरे को यहाँ पे आके एक दो कंपनी ने ऑफर किया था, बट मेरे को पर्सनली उनका अच्छा नहीं लगा। बट मैंने एक दो कंपनीज का प्रमोट किया है क्योंकि मुझे अच्छा उनके प्रोडक्ट्स देख के लगा कि हाँ भाई, अगर कोई स्टूडेंट इसको लेगा, इसका क्योंकि रीजनेबल प्राइस है, तो अच्छा उन्होंने एक पैसे पैसे पे किए उन्होंने। वेल या उन्होंने पैसे मुझे पे तो किए गाइस थे। ये देख लो, साथ साथ आप किसी कंपनी की एड भी करके आप पैसे वहां से भी कमा सकते हो। जिम ट्रेनर भी है भाई, ऑनलाइन न्यूट्रिशन का काम भी करता है, इंडिया में भी डाइट प्लान चार्ट देता है यहाँ से बैठा बैठा, तो
सो यार फिटनेस ट्रेनर की तो बात ही अलग है। और मेरे को एक और चीज बताओ कि मतलब इतनी नॉलेज आपको आई कहाँ से? कि जैसे यार मैं सर्च करता हूँ मेरे को इतना कुछ मिलता नहीं है यूट्यूब पे या मैगजीन पढ़ के, मतलब कोई इसके पीछे कोई ट्रेनिंग थी या कोई सर्टिफिकेट लिया, कैसे मतलब इतनी नॉलेज आई? वेल, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं लाइक 18-19 का था, जब मैं हाई स्कूल कर रहा था तो मेरे को ऑनलाइन सर्फिंग का बहुत शौक था फिटनेस के बारे में, तो मैं रिसर्च करता रहता था, ब्लॉगिंग्स लाइक बड़े बड़े लाइक जो प्रोफेशनल्स हैं उनके आर्टिकल्स पढ़ना, वो अपना उसमें बताते हैं कि ये वाली मसल पे लाइक अगर आप ये वर्कआउट करोगे, तो मैंने वो अपने ऊपर भी प्रैक्टिकल किया तो मेरे को वो रिजल्ट लगा। एंड जब मैंने फिर वहाँ पे आई थिंक YMCA था इंडिया में न्यू दिल्ली में, तो मैंने वहां से एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया था। एंड व्हेन आई केम टू कनाडा, सो अगेन मैंने YMCA से अपना लाइक एवरी 2 इयर्स वो अपडेट होता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ के वो दोबारा अपडेट करा था, लाइक वो मैंने स्टडी की एंड ऑल दैट। और एक ना ये बहुत बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, जैसे जो लाइफ सेम एज योर एज, जो 21 22 25 साल तक के बच्चे होते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि स्टेरॉइड्स लेके ही बॉडी बनती है ऐसी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटीन शेक होता है, एक तो सारा कुछ ले लेते हैं, कहते हैं कि प्रोटीन शेक लोगे तो प्रोटीन शेक से भी आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, बिल्कुल भी सही नहीं है, किडनीज खराब हो जाएगी और भी जो दिक्कतें आ जाएंगी लाइफ में, तो इज दैट ट्रू? वेल, मैं एक चीज कहूंगा, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस फॉर योर लाइफ। अगर आप दूध भी पी रहे हो, अगर आप नेचुरल बता रहे हो अपने आप को, अगर आप दूध पी रहे हो दिन का 4-5 लीटर, तो वो भी एक सेफ नहीं है एक पॉइंट पे। तो आपने जैसे स्टेरॉइड की बात की, तो स्टेरॉइड फॉर श्योर, ऐसा कोई मिथ नहीं है कि अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तो ही आपकी बॉडी बनेगी। आपका हेल्दी डाइट, आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इनटेक, दिस इज द मेन थिंग विच मैटर्स अलॉट। मी पर्सनली लाइक मेरा जो प्रॉपर डाइट चार्ट है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड एवरी जो इनटेक है वो पूरा मेजर्ड होता है। एंड द प्रोटीन थिंग लाइक यू टॉक अबाउट लाइक द प्रोटीन सप्लीमेंट, इट जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोटीन डाइट, बिकॉज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो उसमें चिकन फिश आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकती है एज कम्पेयर टू द वेजिटेरियन डाइट। सो फॉर वेजिटेरियन पर्सन is like important, you know? और एक और चीज मैं बताओ, कई लोग कहते हैं कि कनाडा खाना बहुत बढ़िया, और कनाडा खाना खाएंगे तो जल्दी बॉडी बनेगी, और इंडिया में खाना कहते हैं वो है मतलब दवाइयों वाला है, ऐसा कुछ फर्क पड़ा क्योंकि नहीं? मुझे मैं इट्स बीन 7 इयर्स मैं कनाडा में हूँ, और मुझे कुछ चीजें इंडिया में अच्छी लगती है, कुछ चीजें यहाँ अच्छी लगती है, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा वैसे। वेल, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं तो माँ के हाथ के खाने के आगे तो फिर कोई रीजन नहीं है। मेरे को तो यहाँ के बॉडी कमी होती दिखी है, मतलब वो जो इंडिया में मेरी बॉडी थी आज अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हो तो आज मेरी उस हिसाब से कम है। ये तो बात है यार, माँ के खाने की तो कोई रीस ही नहीं है। और मतलब आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स है, मतलब फुल टाइम ही फिटनेस में जाना है या कुछ और प्लान्स है? कनाडा में सपोज करो वर्क परमिट आ गया, PR आ गई, तो मतलब क्या प्लान, क्या करना है आगे, फिटनेस में ही जाना है? वेल, यार मेरे को आगे फिटनेस में जाना है, और आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं मैक्सिमम हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को रोज देखता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस ऑफ स्टडीज एंड ऑल दैट थिंग्स। सो मैं चाहता हूँ कि वो फिटनेस में आगे बढ़े, क्योंकि मैं लास्ट टाइम एक स्टूडेंट से मिला, वो बहुत ही जिम पैशनेट था, एंड मैंने उससे क्वेश्चन किया कि ब्रो आपको एकदम ऐसा क्या होगा कि आप पहले आप इतने हेल्दी थे अब आप ऐसे हो गए हो? तो जब उसने मेरे को अपनी स्टोरी बताई तो आई रियली फील सैड अबाउट दैट। ये देख लो भाई, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर किसी को डाइट चार्ट चाहिए तो भाई फ्री में देगा, जिम लगाना हो भाई के साथ तो भाई अपना यूट्यूब चैनल भी जल्दी खोलने वाला है, तो आप इनकी वीडियोस देख के जरूर इनको फॉलो करके अपनी जो लाइफ है कनाडा में, बिकॉज यहाँ स्ट्रेसफुल लाइफ है फॉर श्योर, मुझे भी टाइम नहीं मिलता, सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहना। सो आई थिंक इसने आके मुझे यही मोटिवेट किया है कि थोड़ा सा फिटनेस की तरफ भी ध्यान दो, बिकॉज हेल्थ अगर है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो इट्स बेटर कि ये स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, I'm really happy, जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि स्टूडेंट्स की या लोगों की हेल्प जरूर करा करो, तो भाई वही कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच यार, आपने इतना टाइम दिया, और भाई को इंस्टाग्राम जो नीचे आ रही है जरूर उसको फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन होता है फिटनेस के बारे में तो जरूर पूछ लेना, और भाई कल से मुझे भी जिम लेके चलियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कटारिया, स्टे हेल्दी स्टे फिट।